नमस्कार साथियों, आज का हम लोगों का टॉपिक है वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी। वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी, इसको कॉमनली किस नाम से जाना जाता है बेटा? फाइलेरियल वर्म के नाम से, जिससे फाइलेरिया होता है, जिसको फील पाँव कहते हैं। इसको सिनोनिम फार्म में किस रूप में कहा जाता है? पर्यायवाची में फाइलेरियल बैनक्रॉफ्टी। एक पॉइंट यहाँ पर याद रख लीजिए, अभी भी ऑप्शनल क्वेश्चन के लिए अच्छा है। ये नॉकचर्नल होता है। नॉकचर्नल मीन्स होता है बेटा रात्रिचर। रात्रिचर यानी एक ऐसा जीव, एक ऐसा परजीवी जो नाइट में एक्टिव होता है, उसे हम नॉकचर्नल कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन की। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कहाँ कहाँ ये पाया जाता है ये, तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखेंगे वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन करता है ये। वर्ल्ड वाइड मतलब पूरे संसार में पाया जाता है, जहाँ पर ह्यूमन पाया जाता है वहाँ पर ये पाया जाता है। बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ पोल। जब पोल की बात करेंगे हम यहाँ पर, देखिए इस तरह से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट यहाँ पर बताया जाता है। तो जब डिग्री की बात करता है तो 30 डिग्री यहाँ पर नॉर्थ साइड में होता है और 30 डिग्री यहाँ पर साउथ साइड में फैला हुआ होता है, मतलब सेंटर के, केंद्र के दोनों डायरेक्शन में यह फैला हुआ पाया जाता है। पॉइंट यहाँ पर याद करना है, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब पूरी दुनिया में पाया जाता है ये। अब बात करते हैं इसका हम हैबिटाट, वास स्थान का, मतलब ये बॉडी के किस पार्ट में पाया जाता है। तो ये है लिव इन लिम्फ नोड। कहाँ पर पाया जाता है बेटा ये? लिम्फ नोड या लिम्फ वेसल्स में पाया जाता है मनुष्य के। लिम्फ जहाँ पर लसीका पाई जाती है। अब बात कर लेंगे हम इसके मार्फोलॉजी की। मार्फोलॉजी की बात कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान देना है कि मेल और फीमेल दोनों की मॉर्फोलॉजी वैरी करती है, डिफरेंट होती है, सेम नहीं पाई जाती है। पॉइंट यहाँ पर एडल्ट्स आर क्रीमी व्हाइट इन कलर। तो इसका कलर पूछा जाए किस तरह से होता है, क्रीमी व्हाइट कलर का होता है। शेप कैसा होता है इसका? इलॉन्गेटेड, इलॉन्गेटेड थ्रेड लाइक लंबे होते हैं, धागे जैसे इनकी संरचना पाई जाती है, थ्रेड लाइक होती है। बात यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं मेल की। मेल की मॉर्फोलॉजी कैसी होती है यहाँ पर देखना है हमको। इनकी लंबाई होती है लगभग 40 मिलीमीटर, मेल की 40 मिलीमीटर इनकी लंबाई होती है एंड 0.1 mm डायमीटर। डायमीटर मतलब इसकी मोटाई, चौड़ाई बताई जाती है। तो बुचरेरिया में जो मेल होते हैं उनकी लंबाई कितनी होती है? 40 मिलीमीटर लंबे होते हैं वो। उनकी मोटाई या चौड़ाई कितनी होती है? 0.1 mm विद दियर टेल एंड विद दियर टेल एंड मतलब पूंछ के साइड में कर्व वेंट्रली जैसे यहाँ पर देखिए ये लंबे होते हैं ऐसे थ्रेड जैसे, इनका जो टेल पोर्शन होता है वैसे नीचे की तरफ मुड़ा हुआ पाया जाता है। ये देखिए वेंट्रली नीचे की तरफ कर्व्ड होता है, मुड़ा होता है। और यहाँ पर दो छोटे छोटे स्पायरकिल पाए जाते हैं, टेंटिकल्स पाए जाता है, स्पिक्यूल जिनको कहा जाता है।
जो कि साइज में अनइक्वल होते हैं। अनइक्वल संख्या कितनी होती है? दो। खास पॉइंट यहाँ पर है कि ये स्पीक्यूल जो अनइक्वल साइज के होते हैं सिर्फ मेल में होते हैं, फीमेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसलिए कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस हो गया कि मेल और फीमेल के बीच में कोई माइनर डिफरेंस बताइए, तो आंसर होगा आपका इन केस ऑफ मेल देयर इज टू स्पीक्यूल्स ऑफ अनइक्वल साइज आर प्रेजेंट, वेयर एज इन द केस ऑफ फीमेल देयर इज नो एनी काइंड ऑफ स्पीक्यूल्स प्रेजेंट। ये माइनर डिफरेंस हो गया, याद करना है आपको। दूसरा यहाँ पर हम बात कर लेते हैं फीमेल की मॉर्फोलॉजी में। तो फीमेल की साइज जो बताई जाती है वो 80 to 100 mm लॉन्ग होते हैं, और इसकी मोटाई या चौड़ाई कितनी होती है बेटा? 0.2 mm इन डायामीटर, परिमाप या मोटाई में बता सकता है। मेल के जस्ट डबल। मेल का कितना देखा गया है यहाँ पर? 40 mm लॉन्ग। फीमेल का कितना देख रहे हो आप? 80 to 100 mm लॉन्ग। मेल का डायमीटर कितना है? 0.1 mm। फीमेल का डायमीटर कितना है? 0.2 mm। तो मेल के जस्ट डबल होते हैं साइज में फीमेल। और एक डिफरेंस और याद रखिए, फीमेल का जो टेल इंड होता है बेटा, फीमेल का जो टेल इंड होता है वो पॉइंटेड होता है। पॉइंटेड पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, नॉन कर्व्ड। याद रखना है आपको कि फीमेल का जो टेल पोर्शन होता है वो नुकीला होता है, और मेल की तरह इसमें पॉइंटेड कर्व्ड नहीं होता है, ठीक है। इसके आगे हम लोग बात करेंगे। देखिए यहाँ पर नोट पॉइंट आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, लिखा हुआ है यहाँ पर, मेल आर मोर इन नंबर देन फीमेल आर मोर इन नंबर देन मेल्स। मतलब ये हुआ कि अपने होस्ट में जहाँ पर ये रहते हैं लिम्फ नोड में, वहाँ पर फीमेल की संख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है। किसके कंपैरिजन में? मेल के कंपैरिजन में। मेल कम होते हैं, फीमेल ज़्यादा होते हैं। एक पॉइंट और आपको नोट कर लेना है, लाइफ स्पान। लाइफ स्पान यहाँ पर हम आपको नोट पॉइंट करके बढ़िया से बता देते हैं, समझा देते हैं थोड़ा सा। लाइफ साइकिल एंड लाइफ स्पान में क्या डिफरेंस है? दोनों में जीवन चक्र, जीवन काल में डिफरेंस क्या है? देखिए बहुत अच्छे से समझेंगे आप। बर्थ टू नेचुरल डेथ, जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु के बीच का जो समय होता है उसे लाइफ स्पान कहा जाता है। जैसे मनुष्य का जो अभी प्रेजेंट टाइम में एवरेज एज माना जाता है वो 54 ईयर्स माना जाता है। वैसे जीने को तो 100 ईयर्स भी जीते हैं, लेकिन एवरेज जो माना जाता है वो 54 साल बताया जाता है। जबकि लाइफ साइकिल क्या होता है? बर्थ टू रिप्रोडक्शन मतलब जन्म से लेकर के जब कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करने के लायक हो जाता है तो उतने ड्यूरेशन को हम लाइफ साइकिल में रखते हैं। तो यहाँ पर लंबा कौन सा हो गया? लाइफ स्पान, याद रखना है आपको। तो यहाँ पर देखना है कि बुचरेरिया का लाइफ स्पान लगभग कितना होता है? 7 से 10 ईयर्स तक, बहुत लंबा लाइफ स्पान होता है बेटा। याद रखिए बुचरेरिया का लाइफ स्पान कितना होता है, जीवन काल कितना होता है? 7 से 10 साल तक होता है, लंबे समय तक जीवित रहते हैं ये, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं लाइफ हिस्ट्री या लाइफ साइकिल की। देखिए यहाँ पर हेडिंग पड़ा हुआ है लाइफ साइकिल, बढ़िया पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है डाइजेनेटिक। आपको पहले से बताया जा चुका है, इससे भी पहले
डाइजेनेटिक, जेनेटिक यहां पर जीनस को बताएगा, लेकिन ऐसे जीनस जो होस्ट की तरह काम करते हैं, होस्ट को हम हिंदी में कहते हैं पोषक, जो पोषण प्रदान करता है। डाई मतलब दो, क्लियर है कि बुचेरिया बैनक्राफ्टी जिससे फाइलेरिया होता है वो अपना जीवन दो पोषक में, दो होस्ट में कंप्लीट करता है, जिसमें से प्राइमरी होस्ट बताया जाता है मैन, और सेकेंडरी होस्ट जिसका कौन सा बेटा, मॉस्क्यूटो। मॉस्क्यूटो के जब जीनस की बात करेंगे हम, जीनस ऑफ मॉस्क्यूटो, तो इनकी कैटेगरी होती है टोटल तीन। पहला एडीज, दूसरा क्यूलेक्स, तीसरा एनोफिलीज। और खास पॉइंट याद रखना है आपको कि जितने भी मॉस्किटो होते हैं जो डिजीज स्प्रेड करते हैं, बीमारियां फैलाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल बीमारियां फैलाती हैं, मेल मॉस्किटो के द्वारा कोई डिजीज क्रिएट या फैलाई नहीं जाती है। तो मॉस्किटो के जीनस कितने होते हैं, वंश कितने होते हैं, तीन, एडीज, क्यूलेक्स या फिर एनोफिलीज। आपसे पूछा जाए कि बुचरेरिया कौन से मॉस्क्यूटो के द्वारा फैलाया जाता है, तो आपका सबसे पहले आंसर होना चाहिए एरीज। दोबारा अगर आपसे ऑप्शन पूछा जाए कि इन तीनों में से कौन है जो बुचरेरिया को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र नहीं करता है, तो आपका कोई आंसर नहीं होगा, यहाँ पर नन ऑफ दीज हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये तीन के तीनों जीनस बुचरेरिया बैनक्राफ्टी को ट्रांसफर करता है, इसलिए नेगेटिव वर्ड आपका यहाँ पर आएगा, नन ऑफ दीज। मतलब ये हुआ कि एडीज, क्यूलेक्स और एनाफिलीज ये तीनों के तीनों बुचरेरिया को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर करता है। क्वेश्चन क्या था कि इनमें से कौन है जो बुचरेरिया को एक से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर नहीं करता है, तो नहीं करता है ऐसा कौन सा इसमें जो नहीं करता है, तो आप पहले से जान रहे हो कि एडीज, क्यूलेक्स, एनाफिलीज तीन के तीनों ट्रांसफर करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, ये आंसर आपका बेहतरीन रहा। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए डाइजेनेटिक आपके समझ में आ गया, बुचरेरिया का डाइजेनेटिक प्राइमरी होस्ट कौन सा है बेटा यहाँ पर, मैन, सेकेंडरी होस्ट कौन सा है यहाँ पर, मॉस्क्यूटो। अब इसमें देखेंगे हम कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन, तो यहां पर हम बताएंगे आपको रिप्रोड्यूसेस बाई सेक्सुअल मेथड, सेक्सुअल मेथड यानी बुचरेरिया में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल की जब बात आएगी तब हम यहां पर बात करेंगे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गेन्स की, बात कर लेते हैं। देखिए हमने लाइफ साइकिल बेहतरीन तरीके से बना दिया है आपके सामने, कैसे है वो यहाँ से शुरू करते हैं हम। देखिए ये सिंबल मेल का है, दूसरा सिंबल फीमेल का है, ये दोनों कापुलेशन करेंगे, कापुलेशन जिनका दूसरा वर्ड हम बताते हैं यहाँ पर मेटिंग, मेटिंग सेक्स करने के प्रोसेस को हम कापुलेशन या मेटिंग कहते हैं। तो मेल और फीमेल के बीच कॉपुलेशन के बाद का जो रिजल्ट होता है बेटा वो क्या होता है, जाइगोट। जाइगोट किस नेचर का बना है यहाँ पर, डिप्लॉयड जाइगोट। यहाँ पर जाइगोट से फिर डेवलप होता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रायो जेनेसिस, एम्ब्रियो बनने के प्रोसेस को एम्ब्रायो जेनेसिस कहा जाता है। तो जो मिनी और टिनी एम्ब्रियो यानी छोटा सा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा वो किसी स्मॉलर लिम्फ में प्रेजेंट होगा, छोटे छोटे लिम्फ या लिम्फ नोड में प्रेजेंट होगा, लेकिन जैसे जैसे इस एम्ब्रियो की साइज धीरे 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 ग्रो अप करती है, बढ़ती है, तो स्मॉलर लिम्फ नोड से मूव हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है लार्जर लिम्फ नोड में, मतलब इनका हर बार मूवमेंट होता रहता है, और लार्जर लिम्फ नोड से फाइनली कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, ब्लड में। लिखा हुआ है यहाँ पर एम्ब्रियो इन ब्लड, यानी
एम्ब्रियो सबसे पहले डेवलप कहाँ पे हो रहा है? लिम्फ में। फिर ट्रांसफर कहाँ पर हो रहा है? ब्लड में। अब ये जब ब्लड में डेवलप हो जाएंगे तो उनकी साइज धीरे 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 और बड़ी होगी। फिर वो ब्लड से देखिए यहाँ पर माइक्रोफाइलेरिया लार्वा यानी एम्ब्रियो, जैसे ये मान लेते हैं एम्ब्रियो है इसके अंदर, तो ये बाहर की जो सीथ है, सीथ मतलब होता है बेटा आवरण, कवरिंग, जब ये आवरण इनका स्प्लिट होता है, ब्रेकअप होता है, तब ये एम्ब्रियो बाहर आते हैं ब्लड में ही। वो किस फार्म में आता है? एक लार्वा के फार्म में आता है, जुवेनाइल के फार्म में आता है। उस लार्वा का नाम माइक्रोफाइलेरिया लार्वा होता है। क्या नाम होता है इनका? माइक्रोफाइलेरिया लार्वा। इनका फॉर्मेशन कहाँ पर हुआ? एम्ब्रियो से ब्लड में होता है। अब ये माइक्रोफाइलेरिया लार्वा देखिए सक्ड विद ब्लड बाई मॉस्क्यूटो, क्योंकि हम जानते हैं कि मॉस्क्यूटो यानी मच्छर का अपना मुख्य भोजन क्या है? ब्लड। तो जब वो किसी इन्फेक्टेड, किससे इन्फेक्टेड होगा? वो बुचरेरिया के माइक्रोफाइलेरिया लार्वा से इन्फेक्टेड होगा, तब वो ब्लड के थ्रू सक किया जाएगा। किसके द्वारा? मॉस्क्यूटो के द्वारा। यानी हम कह सकते हैं कि ह्यूमन की बॉडी से माइक्रोफाइलेरिया ट्रांसफर हो जाएगा अब मॉस्क्यूटो के गट में। गट मतलब यहाँ पर क्या होता है? देखिए गट मतलब होता है आहार नाल, याद रखना है, गट में ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये मॉस्क्यूटो के गट में 7 से 10 दिन तक, 7 to 10 days डेवलप होता है माइक्रोफाइलेरिया मॉस्क्यूटो के आहार नाल में। अब ये आहार नाल से माइक्रोफाइलेरिया के बाहर एक सीथ होता है बेटा, देखिए ये सीथ, इस सीथ का नाम होता है पेलिकल, त्वचा। ये पेलिकल इसका स्प्लिट होगा, ब्रेक होगा, तो इसके अंदर जो रियल में माइक्रोफाइलेरिया लार्वा प्रेजेंट है वो मूव कर जाएगा और इंटर करने लग जाएगा मसल्स में, या इंटेस्टाइनल वाल में। किसके? मॉस्क्यूटो के। तो देखिए यहाँ पर आपको याद रख लेना है, गट से ट्रांसफर होकर के कहाँ जाएगा? इंटेस्टाइनल वाल में जाएगा। इंटेस्टाइनल वाल से फिर कहाँ जाता है? मसल्स में जाएगा। सीक्वेंस में आपको याद करना है, मसल्स में जाएगा। मसल्स से फिर कहाँ जाएगा? थोरैसिक मसल्स में जाएगा। अब थोरैसिक वर्ड किसके लिए यूज होता है वो आप जानते हैं, चेस्ट के लिए यूज होता है, सीने के लिए यूटिलाइज होता है। नॉर्मल मसल्स से कहाँ जाएगा? थोरैसिक मसल्स में जाएगा। अब थोरैसिक मसल से फिर ट्रांसफर कहाँ होगा? प्रोबोसिस में जाएगा। अब प्रोबोसिस मतलब जो उसका सूंड होता है जिसके थ्रू वो ब्लड को सक करता है मॉस्क्यूटो, तो प्रोबोसिस में ट्रांसफर हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जिस माइक्रोफाइलेरिया लार्वा को मॉस्क्यूटो ने सक किया था वो 7 से 10 दिनों के अंदर दूसरे फार्म में चेंज हो गया है, जो इन्फेक्टिव है, जुवेनाइल है। जुवेनाइल मतलब चाइल्ड से थोड़ा सा एडल्टनेस में डेवलप हो गया है, तो डेवलप इनटू इन्फेक्टिव जुवेनाइल। इन्फेक्टिव का मतलब क्या है? यानी ये मॉस्क्यूटो से फिर किसी दूसरे हेल्दी बॉडी में ट्रांसफर होने के लिए तैयार हो चुका है। जुवेनाइल मतलब हमेशा याद रखिएगा, देखिए यहाँ पर जायगोट से डेवलप होता है एम्ब्रियो, लिखा हुआ है आपको सामने दिख रहा है। एम्ब्रियो किसमें चेंज हुआ? लार्वा। लार्वा से बनेगा जुवेनाइल और फिर फाइनली डेवलप हो जाएगा एडल्ट में। कितने स्टेप हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 स्टेप्स में। याद कीजिए यहाँ पे जायगोट चेंज होता है एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो ट्रांसफार्म होगा माइक्रोफाइलेरिया लार्वा में, माइक्रोफाइलेरिया लार्वा जुवेनाइल स्टेज में जो कि इन्फेक्टिव है ट्रांसफर होगा, और फाइनली वो एडल्ट में चेंज हो जाएगा। उस एडल्ट का नाम क्या है? बुचरेरिया बैन क्राफ्टी बताया जाता है बेटा। फिर तो यहाँ देखिए यहाँ पे जब ये इन्फेक्टिव जुवेनाइल फेस में डेवलप हो जाएगा और वो इन्फेक्टेड मॉस्क्यूटो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करे, बाइट मतलब काटना, कट करना, देखिए यहाँ पर, तब वो ट्रांसफर हो जाएगा इन ह्यूमन बॉडी बाई बाइटिंग ऑफ मॉस्क्यूटो।
यानी मच्छर के काटने से हेल्दी ह्यूमन इन्फेक्टेड हो जाएगा। कौन सा फार्म ट्रांसफर होगा? ये जो जुवेनाइल माइक्रोफाइलेरिया एडल्टनेस के पहले चेंज हो चुका है इन्फेक्टिव जुवेनाइल में, वो फार्म ट्रांसफर होगा, और तब ह्यूमन की बॉडी में वो स्लोली ट्रांसफर हो जाएगा एडल्ट फार्म में, एडल्ट मेल, एडल्ट फीमेल, और इन दोनों के बीच कॉपुलेशन होने के बाद फिर से वो साइकिल बार बार चलती रह जाती है। तो ये इसका लाइफ साइकिल रहा। ठीक है, एक बार जल्दी से देखते हैं हम लाइफ साइकिल में। देखिए, ये डाइजेनेटिक होते हैं, इनका प्राइमरी होस्ट कौन सा होता है? मैन। सेकेंडरी, जिसको हम कहते हैं अल्टरनेट होस्ट, वो है मॉस्क्यूटो। मॉस्क्यूटो कौन से होते हैं इनके इन्फेक्टिव? देखिए यहाँ पे, यहाँ हमने लिखा हुआ था एडीज, क्यूलेक्स, एनोफिलीज। मोस्टली ट्रांसफर कौन करता है? एडीज। लेकिन देखा जाए तो होल मॉस्क्यूटो के जीनस इस डिजीज को स्प्रेड करने में हेल्पफुल बताया जाता है। ठीक है, फिर आगे देखिए, डाइजेनेटिक कंप्लीट हुआ। जब मेल और फीमेल कॉपुलेशन करते हैं तो लिम्फ में फॉर्मेशन होता है जाइगोट का। जाइगोट एम्ब्रायोजेनेसिस प्रोसेस में इंटर करने पर ट्रांसफर हो जाता है एम्ब्रियो। इस एम्ब्रियो यानी भ्रूण का निर्माण कहाँ पर होता है? लिम्फ में, या लिम्फ नोड में होता है। ये लिम्फ नोड स्मॉलर साइज का था। जैसे जैसे एम्ब्रियो की साइज बड़ी होती है, स्मॉलर लिम्फ नोड से ट्रांसफर लार्जर लिम्फ नोड में हो जाते हैं, और फाइनली कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? ब्लड में, एम्ब्रियो इन ब्लड। अब जैसे ही ब्लड में पहुंचेगा, ह्यूमन के ब्लड में, तो आप समझिए ब्लड से डेवलप होगा माइक्रोफाइलेरिया लार्वा। ब्लड में ही डेवलप होगा यही एम्ब्रियो। यानी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस में हो रहा है? माइक्रोफाइलेरिया। इस माइक्रोफाइलेरिया लार्वा को मॉस्क्यूटो सक कर रहा है, किसके साथ? ब्लड मील के साथ, फूड के साथ। और वही मॉस्क्यूटो अपने गट में ट्रांसफर करने के बाद, टेकअप करने के बाद, उस माइक्रोफाइलेरिया लार्वा को धीरे 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 ग्रो होने का चांस प्रोवाइड करता है जुवेनाइल फार्म में। ये जुवेनाइल इन्फेक्टिव है, किसको इन्फेक्ट कर सकता है? ह्यूमन को। यानी जब इन्फेक्टेड मॉस्क्यूटो बाइट करेगा तो वो लार्वा ट्रांसफर हो जाएगा ह्यूमन की बॉडी में, जहाँ कॉपुलेशन करेगा, और ये साइकिल बार बार चलती रह जाएगी। ठीक है, इसके आगे हम बात करते हैं। देखिए, इसके आगे हम लोग बात कर लेते हैं। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस, डायग्नोसिस हमने आपको पिछले वीडियो में बताया, पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन यानी पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी में डिजीज को जानने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डायग्नोसिस कहते हैं। अब डायग्नोसिस के लिए जो सैंपल टेकअप किया जाएगा, वो सैंपल क्या होता है? मोस्ट अप्रोप्रिएटली कौन सा लिया जाता है? लिम्फ लिया जाता है। उसके अलावा ब्लड टेकअप किया जा सकता है। उसके अलावा फीकल मैटर, इतने पार्ट, इसके अलावा भी बॉडी के पार्ट्स यूटिलाइज किए जाते हैं, लेकिन मोस्टली सैंपल के फॉर्म में लिम्फ लिया जाता है, या फिर ब्लड लिया जाता है, या फिर फीकल मैटर लिया जाता है, और तब पैथोलॉजिकली इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि डिजीज है या नहीं है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डायग्नोसिस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए बात कर लेते हैं हम इसके प्रोफिलैक्सिस। प्रोफिलैक्सिस मतलब होता है अवॉइडेंस, अवॉइडेंस। अवॉइडेंस थ्रू अलर्टनेस, इसका मतलब प्रोफिलैक्सिस समझना है आपको, कि
कि अपने आप को बचा के रखें कि ये वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी बॉडी में ट्रांसफ़र ना होने पाए, जिससे कि फाइलेरिया हो सकता है। तो बचने का सबसे बेहतरीन उपाय है इरेडिकेशन ऑफ मॉस्क्यूटो। सेकेंड पॉइंट, यूटिलाइजेशन ऑफ मॉस्क्यूटो नेट। नेक्स्ट पॉइंट, यूटिलाइजेशन ऑफ क्लीन हैबिटाट। क्लीन हैबिटाट, और भी ऐसे बहुत से चांसेस हैं बचने के लिए। तो नेचुरल बचाव के ही प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोफिलैक्सिस। इसके अलावा अब बात आती है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट का एक ही ऑप्शन होता है बेटा, वो है ड्रग। और ड्रग में यहाँ पर हेट्राजॉन एक ही ड्रग है जो यूटिलाइज होता है मोस्टली, ऐसे तो बहुत हैं लेकिन हेट्राजॉन से ही ये ट्रीट किया जाता है बेहतरीन तरीके से। तो ये आपके सामने जो रहा प्रोसेस, इस टोटल प्रोसेस को आप याद करो बेहतरीन तरीके से। एक पॉइंट और याद रख लो यहाँ पर कि जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो इनको बताया जाता है ये ओबो वीवी पैरस होता है। ओबो वीवी पैरस बेस के साथ हम टोटल आपको समझा देते हैं। देखिए बर्थ के अकॉर्डिंग तीन कैटेगरी होती है। पहला ओवीपैरस, ओवीपैरस मींस क्या होता है, एग लेइंग, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोडक्शन के बाद रिजल्ट किस फॉर्म में देते हैं, एग के फॉर्म में देते हैं। दूसरा वीवीपैरस, वीवीपैरस चाइल्ड प्रोड्यूसिंग, बच्चे देने वाले जो अंडे देते हैं उनको हम कहते हैं ओवीपैरस। जो चाइल्ड को जन्म देते हैं उनको कहते हैं वीवीपैरस। लेकिन ओवो मीन्स यहाँ पर एग, वीवी मतलब हो गया यहाँ पर चाइल्ड। वुचरेरिया ऐसे नेचर के हैं जो एग भी प्रोड्यूस करते हैं और चाइल्ड को डायरेक्टली बर्थ देते हैं, दोनों प्रोसेस इनमें होता है। और भी एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं यहाँ पर, जैसे स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन क्रेब्स बिच्छू केकड़ा, ये सब किस नेचर के होते हैं, ओबो वीवी पैरस के नेचर के होते हैं। ओवी पैरस में जैसे कि मोस्टली बर्ड्स जो होते हैं वो ओवो वीवी पैरस होता है, वीवी पैरस में नॉर्मल मैमल्स होता है, नॉर्मल मैमल्स होता है। तो इतने प्रोसेस आप याद करो, और बाकी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।